हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो पे आप देखेंगे कि फूलगोभी कैसे उगाते हैं एक पॉट पे। तो मैंने डिसाइड किया है कि इस चैनल पे अब वीडियो जरूर आएगा, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर आएगा और जो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा, इन्वेस्टमेंट पे भी रहेगा और गार्डनिंग पे भी और डिफरेंट प्लेसेस पर भी यहाँ पर वीडियो रहेगा। तो आज के वीडियो पे आप देखेंगे कि फूलगोभी और काउलीफ्लावर कैसे उगाते हैं एक पॉट पे। तो इसके लिए मैंने लिया है नेचुरल गार्डन सॉइल और उसके साथ वर्मी कंपोस्ट एंड काउडंग कंपोस्ट। तो नेचुरल गार्डन सॉइल आप ले सकते हैं 60% और 20% वर्मी कंपोस्ट एंड 20% काउडंग कंपोस्ट, जो कि सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सॉइल तो मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है। और कंटेनर और पॉट जो लेना पड़ेगा वो आप 12 इंच और 12 इंच से ज़्यादा लीजिए, ये फूलगोभी के लिए उगाने के लिए अच्छा रहेगा। एंड कीप इन माइंड दैट इट शुड हैव द ड्रेनेज होल जरूर रहना चाहिए और एक स्टोन, स्मॉल स्टोन्स लेके वहाँ पर ड्रेनेज होल पर आप दे दीजिए। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मिट्टी पे जो वाटर जम गया तो जो रूट्स है वो गल जाएगा, तो प्लांट खराब हो जाएगा। इसलिए वो ड्रेनेज होल आपको जरूर देख लेना चाहिए और वहाँ पर जो स्टोन्स है वो छोटा छोटा स्टोन्स वहाँ पर देना पड़ेगा। तो आप सॉइल को दे दीजिए और मैंने भी दे दिया सॉइल को, और जो वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट ये सारे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, देखते रहिए। पौधा जो देख रहे हैं आप वो लोकल नर्सरी से मैंने 3 रुपए पर पीस ले आया हूँ और यहाँ पर लोकल मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और ये पौधा लगाने का तरीका ऐसे है कि मिडिल पे आप एक होल कीजिए और वहाँ पर मिट्टी देके सराउंडिंग पे मिट्टी लेकर थोड़ा सा प्रेस कीजिए और उसके बाद पानी दे दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत ही इजी है, देखते रहिए। जो आप देख रहे हैं ये 30 डेज के बाद है, पौधा का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है और जो लीव्स है वो भी ग्रीन है। आपको रेगुलर इस पे वाटर देना पड़ेगा, आपको जो सॉइल है, जो मिट्टी है उसको ड्राई रखना पड़ेगा, उसको मॉइस्ट रखना पड़ेगा। अगर ड्राई हो गया तो समझो कि पौधा मर जाएगा, क्योंकि इस पे रेगुलर वाटरिंग का जरूरत है। आप देख रहे हैं मोर, अब जो वीडियो आप देख रहे हैं 60 डेज के बाद है। इस पे छोटा सा एक कलिया भी आया है, आप पर देखिए छोटा सा एक कलिया इस पे आया है। मैंने थोड़ा सा एडिशनल फर्टिलाइजर इस पे ऐड किया है, फर्टिलाइजर है वर्मी कंपोस्ट एंड सॉइल, इसको मिक्स करके मैंने दे दिया, क्योंकि मिट्टी थोड़ा सा दब गया था, नीचे था, इसलिए मैंने ये दिया है। और जो न्यूट्रिशन है वो भी इस प्लांट को मिलेगा, इसलिए मैंने भी ये फर्टिलाइजर ऐड किया है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फर्टिलाइजर दे रहे हो उसके बाद जरूर आपको पानी देना पड़ेगा, अगर पानी नहीं दिया तो फर्टिलाइजर का देना का मतलब ही नहीं है।
इस विंटर सीजनल वेजिटेबल के लिए मैं लिक्विड फर्टिलाइजर भी यूज़ किया है, और लिक्विड फर्टिलाइजर है जो मस्टर्ड केक है उसको 10 दिन डिकम्पोस्ट करके, जो 10 ग्राम मस्टर्ड केक डिकम्पोस्ट करके 10 लीटर पानी पे उसको मिक्स करके मैं अप्लाई किया है, और ये 15 दिन के बाद एट द इंटरवल ऑफ 15 डेज मैंने ये फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर यूज़ किया है। और यहाँ पर देख रहा है कि फूलगोभी का जो कलिया है वो बड़ा हो गया, और इसको मैं अब काट लूँगा। तो ऐसे आप अपने घर पे, गार्डन पे फूलगोभी और काउलीफ्लावर आप उगा सकते हैं, और ये 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है, विदाउट एनी पेस्टिसाइड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।